हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में जो है हम देखेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन। अभी आपको पता है सेक्शन ऑफ सॉलिड मतलब अगर मैंने कोई सॉलिड को कट किया और इंटरनल पार्ट्स देखने की कोशिश की तो उसे कहेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड। कटिंग प्लेन से अगर कोई सॉलिड को मैंने कट किया एंड फर्दर स्टडी के लिए मैंने उसको इंटरनली देखा तो उसे कहेंगे हम सेक्शन ऑफ सॉलिड। तो इससे रिलेटेड आज का क्वेश्चन है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है वो देखते हैं। पहले स्क्वायर प्रिज्म दिया है जिसका साइड दिया है 50 mm, साइड ऑफ बेस 50 mm एंड हाइट दिया है 80 mm, इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP, जो कि आपको रेस्ट करना है बेस के ऊपर ऑन HP में, विथ ऑल साइड्स ऑफ बेस मेकिंग इक्वल एंगल विथ VP। ऐसा स्क्वायर आपको ड्रॉ करना है कि जिसकी ऑल साइड्स इक्वल इंक्लाइन टू VP हो। इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन, यहाँ से आपका सेक्शन प्लेन का कंडीशन शुरू हो रहा है। इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन नॉर्मल टू VP एंड पासिंग थ्रू द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर एंड टॉप राइट कॉर्नर ऑफ एलिवेशन। ड्रॉ फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू एंड ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम मुझे जो स्क्वायर ड्रॉ करना है वो कैसे ड्रॉ करना है वो देखते। इन्होंने कहा है इक्वली इंक्लाइन टू VP, आपको ऐसे स्क्वायर ड्रॉ करना है कि जिसकी ऑल साइड्स इक्वली इंक्लाइन हो जाए VP के साथ। तो ये आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा बिकॉज दीज आर इक्वली इंक्लाइन टू VP। अगर आप ऐसे निकालोगे तो दीज साइड्स आर पैरेलल टू VP एंड दीज टू साइड्स आर परपेंडिकुलर टू HP, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये सिचुएशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको ये वाला स्क्वायर निकालना है बिलो XY एक्सिस। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा डायगोनल। तो डायगोनल इक्वल्स टू 1.4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो यहाँ पे साइड का डायमेंशन दिया है हमें 50, तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे 1.4 मल्टीप्लाई बाय, ये कैलकुलेशन आ रहा है आपका 70। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायगोनल हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल जो है वो डायगोनल लेंगे हम 70। So this is your XY axis, below XY axis, vertical diagonal 70, midpoint लेंगे इसका 35 पे आएगा और 35 on your left hand side and 35 on your right hand side, ऐसे आपको 70 मिल जाएगा। ये चारों पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर विच इज इक्वल इंक्लाइन टू VP। देखिए आपको मिल गया स्क्वायर विच इज इक्वल इंक्लाइन टू VP। अभी हमें निकालना है प्रिज्म, तो प्रिज्म का हाइट दिया है हमें 80 mm, तो एक्सिस को ट्रांसफर करेंगे और 80 mm डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पे जो आपका एक्सिस है वही आपका एज भी है, तो उसकी वजह से हम एक्सिस लाइन नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, हम प्रोजेक्शन लाइन ट्रांसफर करेंगे। तो दिस इज 80। मीनवाइल दूसरा कॉर्नर भी ट्रांसफर कर लेंगे और कंप्लीट करना है आपको प्रिज्म। तो आपका प्रिज्म आएगा ऐसे। अभी इसको लेबलिंग कर रही हूँ, एक कॉर्नर से शुरू करो ABCD, वही लेबलिंग हम फ्रंट व्यू में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ आएगा आपका ए डैश, सिमिलरली ऊपर अभी आएगा ए डैश, बी डैश, डी डैश, वैसे यहाँ पे भी बी डैश एंड डी डैश, सी डैश एंड सी डैश। ठीक है, तो मीनवाइल इसका डिस्टेंस भी दे देते हैं, ये है साइड 50 और ये है एक्सिस आपका 80, कोई भी एक साइड से दे सकते आप। नेक्स्ट, उसके बाद जो है कटिंग प्लेन का डायरेक्शन देखते हैं। अभी क्या दिया है उन्होंने, इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन नॉर्मल टू VP एंड पासिंग थ्रू द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर एंड टॉप राइट कॉर्नर। लेफ्ट बॉटम कॉर्नर से राइट टॉप कॉर्नर में उसको कट करना है। तो पहले देखते हैं लेफ्ट बॉटम कॉर्नर कौन सा है। प्रिज्म को कट करना है हमें, तो प्रिज्म का बॉटम कॉर्नर ये है जहाँ पे आपको ये लेबलिंग दिख रही है A-C-, दैट इज बॉटम कॉर्नर, और ये जो है वो है टॉप कॉर्नर। तो बॉटम कॉर्नर को
लेफ्ट कॉर्नर में कट किया है, इसे कहा है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर। तो ये है आपका बॉटम कॉर्नर, लेकिन लेफ्ट पॉइंट है आपका सी डैश, ठीक है। तो यहाँ से पास होगा, ऐसे उनका कहना है। वैसे ही आगे क्या दिया है, टू द टॉप राइट कॉर्नर, ये सेम पॉइंट कहाँ तक जाएगा, टॉप राइट कॉर्नर तक। तो ये आपका टॉप फेस है, इसका राइट कॉर्नर यानी आपका ए डैश। तो आपको सेक्शन प्लेन जो है वो पास करना है सी डैश टू ए डैश में से, तो आपका कटिंग प्लेन का जो सिचुएशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको सेक्शन प्लेन ड्रॉ कैसे करना है, जस्ट लाइक यूर सेंटर लाइन, जैसे आप सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे ही आप कटिंग प्लेन ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने किया अभी। लेकिन एंड में जहाँ पे आपका ये प्रिज्म खत्म हो रहा है या सेक्शन लाइन खत्म हो रही है, उसके एट लास्ट में आपको उसको थिक करना है। सेक्शन लाइन का नेचर ऐसा है कि एट लास्ट थिक और इन बिटवीन उसका नेचर जो है वो रहेगा थिन। तो एंडिंग लाइन्स रिप्रेजेंट करती है कि दैट इज गोइंग टू बी सेक्शन लाइन। जो डायरेक्शन से आपने उसको कट किया वो डायरेक्शन से एरो दिखाने, और उसके ऊपर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन हम एस अल्फाबेट से करते हैं। तो मैं भी वही कर रही हूँ, एट लास्ट मैंने थिक किया, उसके ऊपर मैं एरोज दिखा रही हूँ, और एरोज के ऊपर लिखना है आपको एस एस, बिकॉज दिस इज द रिप्रेजेंटेशन वी आर गोइंग टू बी कट दैट पर्टिकुलर प्रिज्म, और जो भी सॉलिड दिया आपको उसको कट किया है, इसका ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो अगर आपका कटिंग प्लेन ऐसे है, मतलब कटिंग प्लेन की हेल्प से मैंने प्रिज्म को कट कर दिया, तो मैंने ऐसे कट कर दिया, तो इधर का जो पोर्शन है वो कट होके गिर जाएगा, और नीचे वाले इसको सपोर्ट है एक्स वाई एक्सिस का, तो वो एज इट इज रहेगा। तो ये रिमूव होने वाला है, तो अभी इसका काम फिनिश हो गया है, तो वो एज इट इज रहेगा। लेकिन जितना बेस के साथ है उतनी लाइंस आपको डार्क बनानी क्यों पड़ेगी, क्योंकि वो विजिबल होगा। तो मैं ए डैश लाइन डार्क बना रही हूँ, यहाँ पे वो जहाँ पे भी कट हो रहा है उसके नीचे वाली लाइन आप डार्क करोगे एक्स वाई एक्सिस तक। सिमिलरली सी डैश तो आपका एग्जैक्टली कॉर्नर पे, तो ये डार्क तो नहीं आएगा। बेस का भी लाइन आपको डार्क करना है, दैट लाइन शोज कि ये पार्ट रिमूव हो जाएगा और ये वाला आपको दिखेगा, उसकी वजह से मैंने इसको डार्क बना दिया। और आपका स्क्वायर दिखने वाला था, इसकी वजह से उसको ऑलरेडी डार्क किया, ठीक है। अभी आगे जो आपने सेक्शन लाइन लिया है उसके ऊपर पॉइंट्स लेने पड़ेंगे हमें। तो सी डैश जो है वो ऑलरेडी एग्जैक्टली कॉर्नर पे कट हुआ है, वहाँ पे ऑलरेडी लेबलिंग है, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लेबलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बी एंड डी, ये देखिए बी डैश डी डैश के बीच में कहीं तो भी कट हो गया, तो यहाँ पे हम लेबलिंग लेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ पी। तो पी डैश नीचे लिखेंगे बी कॉमा डी, ये सेम लेंगे बी और डी, लेकिन रिप्रेजेंट करना है हमें अलग फॉर्मेट में, तो यहाँ पे मैं पी डैश यूज कर रही हूँ, ठीक है। और एट लास्ट देखिए ए डैश, ये भी एग्जैक्टली कॉर्नर पे हुआ है, तो इसको भी अलग से लेबलिंग लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका सेम लेबलिंग आएगा नीचे ए का, पी का आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, जहाँ पे आपका बी है वहाँ पे आपका पी बी आएगा, और जहाँ पे आपका डी है वहाँ पे आएगा आपका पी डी, ठीक। अभी ये पॉइंट्स हमें ट्रांसफर करके ट्रू शेप निकालना है। ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, सेक्शन प्लेन को कट कर, सेक्शन प्लेन की हेल्प लेके ऑब्जेक्ट को कट कर रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट फिर से टॉप की डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा वो हमें देख के ड्रॉ करना है। तो जो आपका सेक्शन प्लेन ड्रॉ हो गया उसको आप फिर से रोलर सेट करेंगे, और जहाँ पे आपका प्रिज्म फिनिश हो जाएगा उसके बाहर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। प्रिज्म फिनिश होने के बाद पैरेलल टू सेक्शन लाइन, देखिए सेट योर रोलर पैरेलल टू सेक्शन लाइन, ट्रांसफर कीजिए, और प्रिज्म जहाँ पे आपका सी डैश फिनिश हो गया उसके बाहर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, जो होगा आपका एक्स वन वाई वन एक्सिस, मतलब आपका दूसरा सेकेंडरी एक्सिस, पहला था एक्स वाई और दूसरा है अभी एक्स वन वाई वन। उसके बाद आपको सी डैश पे एंगल प्रोटेक्टर रखिए या स्केल का लाइन मैच कीजिए, और 90 डिग्री एंगल लेके लाइंस पास कीजिए, जस्ट लाइक दिस। मैंने स्केल मैच किया है तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, ये आपको 90 डिग्री लेना है, नहीं तो आप यहाँ पे एंगल प्रोटेक्टर रखिए, 90 डिग्री एंगल लीजिए और लाइन ड्रॉ कीजिए। ये लाइंस आपकी एज अ प्रोजेक्शन लाइंस रहेंगी। उसके बाद पैरेलल टू फर्स्ट लाइन जितने भी पॉइंट्स हैं आपके सेक्शन लाइन के ऊपर, वो पूरे पॉइंट्स आप ट्रांसफ़र करेंगे। अभी मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ पी डैश वाला पॉइंट, उसके बाद ट्रांसफ़र करूँगी
ए डैश वाला पॉइंट। देखिए यहाँ पे जो है आपका कट होने के बाद वाला शेप आने वाला है, मतलब ट्रू शेप आने वाला है। तो इसके लिए हमें अभी डिस्टेंसेस लेने पड़ेंगे। दिस थ्री लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये प्रोजेक्शन लाइन जो ली आपने 90 डिग्री वाली, वो एक दूसरे को पैरेलल चाहिए। ठीक है, अभी मैं ए डैश से शुरू करती हूँ। डिस्टेंस लेंगे ए डैश टू ए, यहाँ से डिस्टेंस लेना है आपको ए डैश टू ए। क्यों? क्योंकि ए डैश जो आपका सेक्शन का पॉइंट है उसकी वजह से ये डिस्टेंस लेंगे। ए डैश यानी ये आपका पॉइंट ट्रांसफर हुआ है एक्स वन वाई वन के ऊपर, जहाँ पे कट हुआ है वहाँ पे रखेंगे एक्स वन वाई वन को। ए डैश का प्रोजेक्शन जहाँ कट हुआ वहाँ पे रखेंगे और लाइन को कट करेंगे। यहाँ पे कट हो रहा है मेरा, जहाँ कट हो रहा है वहाँ पे लिखेंगे ए। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद अभी मुझे मार्क करना है बी एंड डी। तो मैं डिस्टेंस ले रही हूँ एक्स वाई एक्सिस टू बी, डिस्टेंस अभी बी का कम है तो ये भी डिस्टेंस लेंगे बी का। बी का प्रोजेक्शन ट्रांसफर करेंगे, ये देखिए बी का प्रोजेक्शन एक्स वाई को जहाँ टच हो गया वहाँ पे रखेंगे और कट करेंगे, तो आपको मिलेगा पॉइंट पी बी। राइट, नेक्स्ट लेंगे अभी डी का डिस्टेंस एक्स वाई एक्सिस टू डी, सेम लाइन पे पी बी एंड डी आपका एक ही लाइन पे है, एक्स वाई को जहाँ कट हो गया वहाँ पे रखेंगे और वो लाइन को कट करेंगे, जहाँ कट हो गया वो हो गया आपका पी डी। भी लास्ट का एक पॉइंट बचा है आपका सी डैश टू सी, ये वाला कटिंग प्लेन के पॉइंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये आपका सी डैश टू सी का पॉइंट। सी डैश का प्रोजेक्शन लाइन ये है, एक्स वाई को यहाँ टच हो रहा है तो यहाँ पे रखेंगे और लाइन को कट करेंगे, जहाँ कट हो गया आपका पॉइंट सी। अब ये चारों पॉइंट्स आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगा ट्रू शेप। तो ये मिला मुझे ट्रू शेप, चारों पॉइंट्स मैंने ज्वाइन कर लिए हैं। अभी ये कट किया वाला पोर्शन है हमें ऐसा दिखने वाला है, इसकी वजह से इसके अंदर आएंगी हैचिंग लाइंस। तो कोई भी एक पॉइंट पे आप आपका एंगल प्रोटेक्टर रखिए एंड 45 डिग्री एंगल लीजिए। मैं बी पे रख के 45 डिग्री एंगल ले रही हूँ, कोई भी डायरेक्शन से, लेफ्ट राइट जो भी आपको ओके लगता है वो डायरेक्शन से लीजिए। मैंने राइट की ओर से लिया फ्रॉम बी और एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी लाइक दिस। इसका रेफरेंस लेके बाकी की लाइंस मुझे अभी ड्रॉ करनी है। नेचर जो है वो चाहिए मीडियम थीन, बहुत ज़्यादा थीन नहीं चाहिए, और लाइन के बीच में का डिस्टेंस आपको लेना है नॉट मोर देन 3 mm एंड नॉट लेस देन 1 mm, 1 to 3 mm के बीच में ये डिस्टेंस चाहिए। तो मैं इसी रेफरेंस से बाकी की लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये पूरी लाइंस मैंने कंप्लीट कर ली, एंगल लिया 45 डिग्री, नेचर चाहिए लाइन का मीडियम थीन, एंड डिस्टेंस जो है वो वैरी करना है आपको 1 to 3 mm में। फर्स्ट टू लास्ट तक का डिस्टेंस सेम चाहिए, आप ज़्यादा वैरी नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैन्युअली कैच नहीं होना चाहिए, इतना डिफरेंस आपको रखना है। तो ये है आपका ट्रू शेप। तो हमें निकालने के लिए कहा था फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू एंड ट्रू शेप। तो फ्रंट व्यू निकाल दिया हमने, ये है फ्रंट व्यू, ये है ट्रू शेप, और कहा है सेक्शनल टॉप व्यू, मतलब आपका जो ये टॉप व्यू आपने निकाला है उसको सेक्शनल टॉप व्यू बनाना है। कैसे? तो जब आप कट करोगे तो ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो ऊपर से, तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो है स्क्वायर, तो उसमें भी आपको हैचिंग लाइंस निकालनी है। फिर से आप 45 डिग्री एंगल लेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी इक्वली इंक्लाइंड है, अगर एंगल गिनेंगे तो ये 45 डिग्री फ्रॉम ईच साइड आएगा, तो उसी का रेफरेंस लेंगे। कोई भी एक लाइन को आप सेट कीजिए रोलर और लाइंस ट्रांसफर कर लीजिए, और सिमिलर तरह से आपको डिस्टेंस जो है 1 to 3 mm के बीच में चाहिए, नेचर जो है लाइन का वो चाहिए मीडियम थीन। इस प्रकार से हम ये हैचिंग लाइन कंप्लीट कर। नाउ इट्स बिकम सेक्शनल टॉप व्यू, पहले वो सिंपल टॉप व्यू था, लेकिन जब हमने उसमें हैचिंग लाइंस ड्रॉ कर दी तो इट बिकम्स सेक्शनल टॉप व्यू। तो अभी आपका जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं। वीडियो में एक्सप्लेन किया गया क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए,
अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।